बाबा जवाहरलाल के पूर्णोत्सव समारोह में आप लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार और प्रकाश राज जी का हम सम्मान करते हैं। कोई सेल्फी वाले आप हमारे बीच फिर नेता प्रकाश राज्य पर आ चुके हैं, उनके लिए एक बार जो तारीख से संबोधित करें और मंच पर कोई ना आवे सबसे पहले बहुत जीत शिरोमणि चौहान के पास जाएंगे और बाबा चरण मल का आशीर्वाद देने के लिए डॉक्टर कन्हैया कुमार और उनका जयंती समारोह के अवसर पर यहाँ पोखरिया में हम हर दिन अभिनंदन करते हैं अपने प्रकाश राज मशहूर अभिनेता फिल्म अभिनेता का भी हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस पोखरिया बेगूसराय की धरती पर भी आशीर्वाद लेने के लिए आए बेगूसराय लोकसभा के प्रत्याशी बाबा चौहान मल का मूर्ति का दर्शन करने हमारे नेता रूप में आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकाश राज जी फिल्म अभिनेता आप लोगों के बीच में और ये भी केरल के साथ खड़े प्रकाश राज जी भी आपके बीच आएंगे, हम भी आएंगे और अलग से पोखरिया में सभा करेंगे। आज के लिए माफी दीजिए, क्योंकि परमिशन नहीं है, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ आपके। इसी देश का वासी हूँ, मुझे उम्मीद है और हमको कन्हैया जैसा आवास संसद में चाहिए। ये इस देश का सुपुत्र है, इसी का जरूरत बहुत है, इस देश का बुलंद आवाज है कन्हैया, इसीलिए आया हूँ। अरे इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। क्या ये देखिए, विरोधी का नहीं है, लोगों के लिए, किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है इस देश में। लोगों को ये समझना है कि कौन उनकी दर्द सोच रहा है, कौन उनकी भाषा उनकी समस्याओं को संसद में ले जाएंगे। ये हम जो भारतवासी हैं, टू रिक्लेम डेमोक्रेसी, टू रिक्लेम द रिपब्लिक, और आम आदमी का आवाज संसद तक पहुंचाने की प्रयत्न है। एक बात हमें समझ लेना चाहिए, चुनाव में कोई नेता या कोई पक्ष जीतता हारता नहीं है। अगर सही अभ्यर्थी को हम चुनाव करते हैं तो लोग जीतते हैं, और अगर गलत करते हैं तो लोग हारते हैं। तो ये लोगों का हार और जीत का प्रश्न है, इसीलिए कन्हैया जैसे आवाज चाहिए इस देश में।